गजीबो धाबा एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स, द ऑथेंटिक टेस्ट इन टाउन, जहां आप दम पुख्त कुक अखा बकरा, रान शोल्डर, फूड कुक अंडरग्राउंड फॉर 5 आवर्स, सी फूड, स्पेशल फ्रेंच एंड अरेबिक डेजर्ट, इंडियन स्वीट के साथ मॉकटेल एंड बेवरेजेस का लुत्फ उठा सकते हैं। गजीबो अब न्यू मैनेजमेंट के साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है, विद प्लेजेंट एम्बियंस, वाइड रूम स्पेस विद 2 दस्तरखान, सिटिंग कैपेसिटी 8 to 18, इवेंट एंड पार्टी स्पेस सिटिंग कैपेसिटी 120+, पार्किंग अवेलेबल। द ऑथेंटिक मुगलाई टर्किश अरेबिक टेस्ट इन टाउन, गजीबो धाबा एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स। आज ही आए, हम आपका खैर मकदम करते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आज हम बात करने वाले हैं खबरों से हटकर एक ऐसी खबर की जो आपके चेहरे पर मुस्कान तो लाएगी और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई ऐसा भी हो सकता है। जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, सभी शहरों के नाम और उनकी राजधानी, इतना ही नहीं देश विदेश की जानकारी जनरल नॉलेज में इतना तेज कि आपके जुबान पर सवाल आते ही जवाब हाजिर। आप इसे कुदरत का करिश्मा ही कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी महाविद्यालय का छात्र या फिर JEE और नीट की तैयारी करने वाले छात्र की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल नहीं। मुंब्रा शहर की रहने वाली एक नन्ही और प्यारी सी बच्ची जो महज 3 साल की है, जिसका नाम माहिरा हारिश शेख है, जिसे प्यार से माही भी कहकर लोग बुलाते हैं। हमारे साथ माहिरा और उनकी माँ शहनाज शेख मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। माहिरा और शहनाज जो आप उनकी माँ हैं, आप लोगों का प्रहार टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप सवालों के जवाब देने के लिए रेडी हैं? यस। डर तो नहीं लग रहा है ना? उधर कैमरे पे देखो, डर लग रहा है आपको? आई एम वेरी जंगल। ओके गुड गर्ल। गुड गर्ल उनकी क्या बात है, गुड गर्ल तो कब से ही हूं मैं। अच्छा गुड गर्ल हो आप, चलो ठीक है। आपसे सवाल करूं, जवाब दोगे ना? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड? 195। Which country has the most Muslim population in the world? Indonesia. माहिरा इतना छोटी है, अभी 3 साल की उम्र है इनकी। इस उम्र में लगभग जो बच्चे हैं वो ABCD पढ़ते हैं, आगे की नॉलेज की जानकारी नहीं है। लेकिन अभी हमने जो 2 सवाल किया और इन्होंने सही जवाब दिया है, तो कैसे आप इनको कैसी नॉलेज इनकी इतनी होगी? एक्चुअली बहुत छोटी थी ना, तब से ही एक्चुअली जो उम्र में बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं वो उसके पहले ही उसने बोलना स्टार्ट कर दिया था। और मैं जब भी बच्चों को पढ़ाती थी, मेरा प्रोफेशन टीचर है, मैं टीचर हूँ, तो मैं देखती थी इसे कि बहुत इंटरेस्ट लेती थी बुक्स में, पढ़ाई में। तो फिर मुझे लगा कि ये कुछ तो अलग बच्ची है, तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया। इसके डैडी और मैम विदाउट प्रेशर डाले, इसके लिए डेली के क्वेश्चन आंसर निकालते थे। फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इसको लेना स्टार्ट कर दिया विदाउट प्रेशर, मतलब जैसे खेल रही है तो खेलते खेलते मैं इसे याद करा देती थी कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली, तो इसे ऐसे याद हो जाता था। फिर हम डेली हम लोग ने उसका स्टार्ट कर दिया लेने को, तो ऐसे करते 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 अभी उसको 1000 के ऊपर क्वेश्चन आंसर, मतलब 1000 से ज्यादा सवाल। यस एग्जैक्टली, उसको याद हो गए हैं ये उसके पूरे, ये बुक्स, यस यस ये सब माहिरा की है, मतलब ये इनकी जो तैयारी होती है। यस, मैं इसे डेली वीकली 20 क्वेश्चन निकालती हूँ, तो उसे मैं चलते फिरते खेलते कूदते इसको लर्न करवा देती हूँ और इसे लर्न हो जाता है, याद हो जाता है, यानी काफी तेज। यस यस, सिर्फ यही नहीं कि बस जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, इवन मैंने इसको मैथ्स में भी बहुत आगे रखा है, जैसे कि माई 3+2 5, 4+4 8, 500+500 1000। हम चाहते हैं कि आप भी कुछ सवाल करो माहिरा से जिसका जवाब माहिरा दे। माहिरा आप रेडी है ना? आर यू रेडी? माँ सवाल करेंगे जवाब देंगे ना? ओके लेट्स स्टार्ट। व्हेन वाज IPL स्टार्टेड? 2008। वाओ, हाउ मेनी बोन्स डू वी हैव इन आवर बॉडी? 206। हु बिल्ड रेड फोर्ट इन दिल्ली? शाहजहां। व्हाट इज द करेंसी ऑफ USA? डॉलर। व्हिच एनिमल इज नोन एज अ शीप ऑफ डेजर्ट? Camel. Wow, very good. NASA is located in which country? America. Parliament of India is located in which state? Parliament kidhar hai?
दिल्ली. शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन. व्हाट विटामिन डस सनलाइट गिव अस? विटामिन डी. ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज CPU. व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? जुपिटर. ओह वेरी गुड. शुनो वी सी विद आवर आईज. वी स्मेल विद आवर नोज. वेयर इज लेक लोकटक सिचुएटेड? मणिपुर. लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी. लुम्बिनी. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेंपल इज लोकेटेड इन कंबोडिया. वाओ. व्हिच वन इज द लार्जेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया? NH44. ये माहिरा जो है ये आप एक टीचर हैं? यस. कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? नहीं मैं स्कूल नहीं जाती अभी. अभी स्कूल नहीं जाती. बहुत सारे लोग मुझे यही क्वेश्चन पूछते हैं ये सब नॉलेज देखने के बाद. उनको लगता है कि स्कूल में सिखाया है या फिर तो स्कूल कैसे बहुत अच्छी है. कैसे करते हैं इनको फिर इतने सवालों का जवाब ये दे रही फटाफट. उसके डैडी और मैं कुछ वीकली कुछ 10-15 क्वेश्चन निकालते हैं और वो हर वीक हम करते जाते 10-15 क्वेश्चन निकालते करते जाते. बस ऐसे करके हो जाता है. 1000 के ऊपर हो गए. मैथ्स हो गया, जीके हो गया, साइंस हो गया. काफी छोटी बच्ची है. कभी कुछ ऐसा प्रेशर तो नहीं देते ना? नहीं नहीं. मम्मा ऐसा आपको बोलते आपको पढ़ो पढ़ो ये लर्न करो? नहीं ना. बस जैसे कुछ टॉयज खेल रही है एक क्वेश्चन लर्न करवा दिया. बस ऐसे चलते फिरते हम. एक सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे, आप बताइए विच प्लेनेट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लेनेट? मार्स. मार्स सही जवाब. मंगल ग्रह हिंदी में है ना. इन विच कंट्री मॉस्किटो आर नॉट फाउंड? फ्रांस. काफी सुनकर हैरानी होती है कि एक छोटी सी बच्ची जो है हर सवाल का जवाब एकदम सटीक दे रही है जो सही है. इस उम्र में ज्यादातर बच्चे जो है वो ABCD नहीं पढ़ पाते और आगे की पढ़ाई के लिए भी इनसे हम बात करेंगे. अभी आप स्कूल तो नहीं जा रही लेकिन आपका सपना क्या है, क्या ख्वाहिश क्या है कि आप आगे क्या बनना चाहते हैं? IPS. अरे वाह गुड गर्ल, IPS बनोगे. आपके नानू क्या आपके परिवार में कोई पुलिस में है क्या? नानू. अच्छा नानू ही पुलिस में है तो फिर आपसे तो डरना पड़ेगा बहुत हम लोग. डरना पड़ेगा. गुड गर्ल, वेरी गुड. घर में भी आप किस तरह से ऐसे परिवार के साथ? बहुत अच्छे से, मतलब उसके सामने बहुत ही अच्छे से, जैसे हम तो घर में अच्छे से बात वगैरह करते हैं उसके सामने बिल्कुल अच्छे से टॉक करते हैं और बहुत ही अच्छे में. मैंने देखा है कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने के बाद मराठी नहीं आती तो माई को मराठी भी बहुत अच्छे से आती है. मतलब इंग्लिश तो उसे समझती है, वो टॉक भी बहुत अच्छे से कर लेती है, समझता भी बहुत अच्छे मतलब से मराठी भाषा में भी आप. यस क्यों, क्योंकि मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है एज ए टीचर. इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, उर्दू मीडियम के बच्चों को मराठी जल्दी लिखने भी नहीं आती, पढ़ने भी नहीं आती. इसीलिए मैंने उसको मराठी में भी आगे रखा है. उसको मराठी का राइटिंग स्टार्ट हो गई है. फिर उसको मराठी, हम जो घर में बात करते पहले हम बात करते थे, जैसे उसको बोलना है कि इसको आइसक्रीम नहीं देनी तो हम मराठी में बोलते थे हिला आइसक्रीम नहीं दीजिए. पर अब हम मराठी में बोलते इसको आइसक्रीम नहीं दीजिए तो बोलते अच्छा ये बोल रहे हो आइसक्रीम नहीं देना है, मतलब इसे मराठी भी समझने लगी है. शायद इनका एक सोशल मीडिया अकाउंट आपने बनाया है yes, yes, और ये जो है वहाँ पर लिटिल कंप्यूटर के नाम से yes, मैंने अभी बनाया है. मैं चाहती हूँ अभी जल्दी आपने शायद चालू किया. यस अभी मैंने चालू किया. अभी बहुत लोगों ने मुझे बोला कि इतना अच्छा टैलेंट है जो बच्चों में देखने बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है. इसीलिए मैंने इसका अकाउंट चालू किया और मैं चाहती हूँ कि सब लोग उसको फॉलो करें. उसके अकाउंट का नाम लिटिल कंप्यूटर माही है. माहिरा को तो काफ़ी अच्छी जानकारी है जनरल नॉलेज के बारे में लेकिन जो पॉलिटिक्स में कितनी जानकारी है, हम पॉलिटिशियन जो सवाल है वो भी करते हैं इनसे. माहिरा जवाब देंगे आप? रेडी है? यस. चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कौन है? वहाँ दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल. वेरी गुड. चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के CM कौन है? बोलो. चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र क्या नाम है? एकनाथ शिंदे. वेरी गुड. कलवा मुमरा MLA, कलवा मुमरा के MLA कौन है? कलवा मुमरा के उनका क्या नाम है? डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड. डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड. वेरी गुड.
तो आपने सुना कि माहिरा जो वैसे आप लोग ठाणे में रहते थे, मुमरा में ही अभी जल्दी शिफ्ट हुए हैं, जैसे उसको पॉलिटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लर्न है, हिस्ट्री के हो गए हैं, ज्योग्राफी हो गया है, साइंस है, मैथ्स है, मैथ्स का तो आपने सुना ही। उसको टू का टेबल, सबसे हैरान होने वाली बात ये, उसका टू का टेबल सिर्फ 2 साल की थी तब याद हुआ है, सिर्फ 2 साल की थी तब इसको टू का टेबल याद हो गया। और आज मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को थक जाती हूँ सिखा के, पर उनको लर्न नहीं होता है, तो इसका IQ लेवल। ये जो इनकी कॉपी है, बुक्स है, इसमें और भी कुछ सवाल हैं? माहिरा जिस हिसाब से तैयारी कर रही है, उसको जानकारी नॉलेज तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इतने सारे बुक हैं और इसमें से हम चाहते हैं कि आप भी कुछ और सवाल करें जिनका माहिरा जवाब। हाँ, जैसे उसको पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर याद है, वैसे मैंने उसके लिए GK, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स एंड इवन उसको। आपकी मम्मी और सवाल करेंगे, जवाब देंगी ना? दूंगी ना, चलो ओके। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ईटानगर। आसाम? दिसपुर। से लाउडली, आप कैमरे पे उधर देखो, से लाउडली। बिहार? पटना। छत्तीसगढ़? रायपुर। गोवा? पणजी। गुजरात? चांदीनगर। झारखंड? रांची। मणिपुर? इम्फाल। मेघालय? शिलोंग। मिजोरम? ऐज़वाल। नागालैंड? कोलमा। उड़ीसा? भुवनेश्वर। वेरी गुड। तमिलनाडु? चेन्नई। उत्तराखंड? देहरादून। वेरी गुड। वेस्ट बंगाल? कोलकाता। वेरी गुड। व्हाट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली। फाइनेंशियल कैपिटल? मुंबई। नेपाल? काठमांडू। भूटान? थिम्पू। मालदीव्स? माले। जोर से बोलो। चाइना? बीजिंग। श्रीलंका? मॉस्को। कोलंबो। पाकिस्तान? इस्लामाबाद। रशिया? इराक? बदमा। जोर से बोलो तो देखिए, इराक? बदमा। बगदाद। अमेरिका? अब डरो मत, कैमरे पे देख के बोलो। उधर बोलो, जोर से बोलो। अमेरिका? वॉशिंगटन। वॉशिंगटन, वेरी गुड। फ्रांस? पैलेस। वेरी गुड। जर्मनी? बर्लिन। वेरी गुड। UK? लंदन। लंदन जाना है आपको? लंदन नहीं, कहाँ जाना है फिर घूमने? दुबई। दुबई जाना है, ओके गुड। एंड टेल मी, सऊदी अरेबिया? रियाद। कतर? दोहा। स्विट्जरलैंड? बर्न। ऑस्ट्रेलिया? कैनबेरा। वेरी गुड। एंड असिफ, मैंने उसको यही नॉलेज नहीं, इवन उसको इस्लामिक नॉलेज भी बहुत सारा आता है, जैसे कि सुनो, हाउ मेनी टाइम्स यू ऑफर नमाज इन अ डे? 5 times। ओके, व्हाट इज अवर होली प्लेस? मक्का मदीना। ओके, एंड व्हाट इज अवर होली बुक? क्या पढ़ते हैं हम लोग? कुरान। कुरान पढ़ते हैं। व्हाट इज अवर होली बुक? कुरान। वेरी गुड। चलो सीधा बैठो सर, आपको आपको और पूछेंगे अभी क्वेश्चन। जियोग्राफी से लेके राजनीति तक इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, और भी ऐसी क्या क्या जानकारी है इनके पास, आप पूछिए। sure. जवाब देंगे ना? दोगे ना बेबी? स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड? मेट्रोलॉजी। वेरी गुड। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट आयरन स्टील कंपनी लोकेटेड? जमशेदपुर। वाओ, वेरी गुड। अच्छा टेल मी, व्हाट इज जर्मनीज नेशनल फ्रूट? एप्पल। वेरी गुड। चलो, व्हाट इज अवर नेशनल स्वीट? जलेबी। यू लाइक जलेबी? नो। नो? ओके, स्वीट आई नॉट अ। यू डोंट लाइक स्वीट? नो, आई लाइक हेल्दी फ्रूट्स। यू लाइक हेल्दी फ्रूट्स? ओह वाओ। चलो वन मोर थिंग, उसमें ये जो इंसेक्ट है इसमें रेड ब्लड नहीं होता है, कौन सा इंसेक्ट है ऐसा जिसमें रेड ब्लड नहीं होता है? कॉकरोच। वेरी गुड। एंड व्हाट इज नॉट फाउंड इन द शार्क? बोन। नहीं होता है शार्क में? बोन्स नहीं होते आपके अंदर है बोन्स? यस। अरे वाह। नहीं होते। वो बिना बोन के बनाया नहीं। व्हाट मेक्स अप ब्रेन्स वॉल्यूम? वाटर। वेरी गुड। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? लीवर। वेरी गुड। चलो, विराट कोहली प्लेस? क्रिकेट। सानिया मिर्जा प्लेस? टेनिस। मेसी प्लेस? फुटबॉल। हाउस ऑफ आइस इज कॉल्ड? ग्लू। वेरी गुड। Which insect has colorful wings? Butterfly. Who is world's bank's president? Ajay Banga. Founder of Paytm? Vijay Kashyap. Very good. अब आपको तो बहुत सारी जानकारियां हैं, सवाल आप करते जा रहे हो, जवाब देते जा रहे हैं, सिलसिला लगता है खत्म ही नहीं होगा। समय बहुत कम है, इसलिए रोकना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से इतने सवालों का जवाब देना इतनी छोटी सी उम्र में, ये बहुत बड़ी बात है।
आपके परिवार में पुलिस में भी है बहुत तरक्की करें। थैंक यू सो मच सर से हैंडशेक करो, हैंडशेक करो। दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि जिस तरह से ये माहिरा है, हैंडशेक करो सर से। ऑल द बेस्ट बोल रहे हो आपको, वो आपको बोल रहे ये छोटी सी माहिरा जो है ये मुमरा शहर में अब रहती है और पहले ये थाने में रहा करती थी, लेकिन इस तरह से इनके पास नॉलेज है, जो जानकारी है, ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा रहस्य, कुदरत इसको कितना ज्ञान देता है। ये छोटी सी बच्ची अभी 3 साल की है, स्कूल भी नहीं जा रही है, लेकिन घर से जो उनकी माँ शहनाज वो उनको जो शिक्षा देती है और उसी के बदौलत माहिरा के पास इतनी जानकारियां है, हजारों सवालों के जवाब वो चुटकियों में दे रही है।